हाँ भाई बच्चों, अब अपन करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 4। ठीक, देखिए ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे रेस्पिरेशन लिखकर इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है ये। ठीक, आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, पिछली क्लास में अपने बात कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया। अब अपन देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया को। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ना, जो संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण कंप्लीट जो प्रोसेस है, उसमें कई चरण है। ठीक है, यानी अपने लिख देंगे निम्न चरणों में संपन्न होती है। निम्न चरणों में संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया, निम्न चरणों में संपन्न होती है। निम्न चरणों में संपन्न होती है। अब पहला चरण देखिए। पहला जो चरण है ना, उसको कहते हैं अपने प्रथम फॉस्फोरिलीकरण। प्रथम फॉस्फोरिलीकरण, प्रथम फॉस्फोरिलीकरण। ठीक, यानी फॉस्फोरिलेशन। प्रथम यानी फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन। ये फॉस्फोरिलेशन या फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है? किसी के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है ना किसी कंपाउंड के साथ, तो उसे अपने कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरिलेशन। तो प्रथम फॉस्फोरिलीकरण है भी पहला चरण है। ठीक, यानी इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा। देखिए, ये है ना, ये इतना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रथम फॉस्फोरिलीकरण को। होता क्या है, मैं यहां पर ज्यादा नहीं लिखूंगा, फिर समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने ये बना रखा है, तो इसी को अपने डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, प्रथम फॉस्फोरिलीकरण में क्या होगा? ग्लूकोज है, कितने कार्बन युक्त कंपाउंड है? अभी 6 कार्बन युक्त कंपाउंड। यह ग्लूकोज एटीपी की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्योंकि देखिए, यहां पर एटीपी है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी में एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। यानी जो एक फॉस्फेट है वो किससे जुड़ेगा? ग्लूकोज से। ग्लूकोज के कितने नंबर कार्बन से? 6 नंबर कार्बन से। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हो गया फॉस्फोरिलीकरण। और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम है वो कौन सा है, या इस अभिक्रिया को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करेगा? हेक्सोकाइनेज। ठीक, और यहां पर कोफैक्टर की भूमिका कौन निभाएगा? Mg2 पॉजिटिव कोफैक्टर, अपनों ने पढ़ा था ना, मेटल आयन। ठीक, या एक्टिवेटर। तो यहां पर कोफैक्टर की भूमिका मैग्नीशियम आयन और एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप को अपने कहते हैं प्रथम फॉस्फोरिलीकरण। और एक बात और कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये भी कितने कार्बन युक्त कंपाउंड है? 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। हो गया। दूसरा जो स्टेप है ना, वो है समावीकरण। समावीकरण, ठीक, समावीकरण मतलब अपने आइसोमर में कन्वर्ट होना, आइसोमर। देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका समावीकरण होगा, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने समावी यानी आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर कौन है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने समावी यानी आइसोमर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, किसमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यह जो रिएक्शन है किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई है, या इस रिएक्शन को किस एंजाइम ने उत्प्रेरित किया है? फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। तो ये अपना दूसरा स्टेप हो गया। अभी ये भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अभी दूसरा स्टेप हो गया समावीकरण, आइसोमेरेजेशन। तीसरा है द्वितीय फॉस्फोरिलीकरण। द्वितीय
फॉस्फोरिलीकरण, सेकंड है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, कहीं को नहीं पता होगी फॉस्फोरिलेशन। देखिए द्वितीय फॉस्फोरिलीकरण क्या है, वही बात तो यहाँ पर हुई थी कि एक फॉस्फेट समय और जुड़ जाएगा, ये अपना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। एटीपी की उपस्थिति में यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी एटीपी में 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, 2, तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक फॉस्फेट के निकलने से एडीपी में, और इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करेगा, जो एंजाइम है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और कोफैक्टर कौन है, Mg2 पॉजिटिव। तो ये अपना तीसरा चरण हो गया अभी द्वितीय फॉस्फोरिलीकरण। ठीक, अब है अगला चौथा चरण यानी विदलन। विदलन को कहते हैं अपनी क्लीवेज। देखिए ये भी 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, यह भी 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। ठीक, देखिए विदलन में क्या होगा, यह जो अपना कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये कितने कार्बन युक्त कंपाउंड है, 6 कार्बन युक्त, यह कंपाउंड 2 छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाएगा, 2 छोटे छोटे 3 कार्बन युक्त यौगिकों में टूट जाएगा। ये देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है या बड़ा कंपाउंड है, ये और ये 2 भागों में टूट जाएगा, किसमें, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, पूरा नाम है, लंबा नाम है, जगह की कमी है इसलिए मैं इसका शॉर्ट लिख रहा हूँ, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट, यानी ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ना, ये 2 भागों में टूट गया है या 2 कंपाउंड में टूट गया है। ठीक, PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट। ठीक, ये 6 कार्बन है और यह 3 कार्बन है और यह भी 3 कार्बन है, यानी ये जो 6 कार्बन जो कंपाउंड है ना, यह 3-3 कार्बन युक्त 2 कंपाउंडों में टूटे गया है, 2 यौगिकों में टूटे गया है, 2 कंपाउंड्स में टूट गए अभी। तो विदलन में क्या हुआ कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटेगा और 3 कार्बन युक्त 2 कंपाउंड बनेंगे, PGAL और डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट, और यह जो अभिक्रिया वो किसकी उपस्थिति में होगी, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगी। अब देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में केवल यही काम आता है, या ग्लाइकोलाइसिस की जो आगे की प्रक्रिया है ना वो इससे चलेगी, किससे, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से, इसका कोई यूज नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के समावयवी भी है, ये एक दूसरे के समावयवी है, ये दोनों आइसोमर है। तो क्या होगा कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें PGAL में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की जो आगे की प्रक्रिया वो इससे चलेगी, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ठीक, इसका कोई काम नहीं है, तो ये है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGAL में हो जाएगा। तो अब अपने पास 3 PGAL के यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के कितने अणु बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, एक तो पहले ही था, एक ये कन्वर्ट हो गया, तो कितने बन गए, 2 अणु बन गए, तो मैंने लिख दिया 2 अणु। जो एंजाइम है वो कौन सा है, फॉस्फोट्राइजाइसोमेरेज। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया अपना चौथा। पांचवा देखिए, पांचवा है फॉस्फोरिलीकरण एवं ऑक्सीकारी भी हाइड्रोजनीकरण। फॉस्फोरिलीकरण एवं ऑक्सीकारी वी हाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजिनेशन। फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक, पांचवा स्टेप अपना
देखिए फॉस्फोरिलीकरण एवं ऑक्सीकारी वी हाइड्रोजनीकरण, इसमें एक्चुअल में दो स्टेप आ गए हैं। स्टेप तो पांचवा ही है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप है और इसमें दो छोटे स्टेप है, एक तो फॉस्फोरिलीकरण और एक ऑक्सीकारी वी हाइड्रोजनीकरण। देखिए क्या ये अपना 3PGL है, इसका फॉस्फोरिलीकरण होगा, यानी इसका पूरा नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किसी होगी H3PO4 से, और जो एक फॉस्फेट समझ दो इसमें है ना, वो यहाँ पर आएगा भी, तो यहाँ पर कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, दो। तो देखिए ये तो था अपना 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, एक फॉस्फेट और आ गया, ठीक, देगा कौन है ये फॉस्फोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दो फॉस्फेट आ गए। अब अगला क्या है, ऑक्सीकारी वी हाइड्रोजनीकरण, ठीक, यानी हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन जब निकलेगी वी हाइड्रोजनीकरण मतलब डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना तो क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ऑक्सीकारी आ गया। देखिए ये जो कंपाउंड है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इससे हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन को ग्रहण कौन करेगा, यह है NAD पॉजिटिव, और ये NAD पॉजिटिव क्या है भी, कोएंजाइम है, यानी इसको अपने कह सकते हैं हाइड्रोजन ग्राही, जो NAD पॉजिटिव है ना, NAD पॉजिटिव, इसको हाइड्रोजन ग्राही कह लो या कोएंजाइम कह लो, ठीक। श्वसन प्रक्रिया में दो तरह के कोएंजाइम भाग लेते हैं, दो तरह के कोएंजाइम्स NAD और FAD, दूसरा, ठीक, आगे आएगा जब अपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, सॉरी क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब। ग्लाइकोलाइसिस में केवल ये एक ही कोएंजाइम काम में आता है, क्रेब्स चक्र में ये दोनों देखेंगे अपने NAD और FAD, ठीक। तो ये NAD पॉजिटिव या जो NAD है वो हाइड्रोजन ग्राही या कोएंजाइम है। देखिए इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण किससे होगा, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के निकलने से होगा, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगी ना इससे, उसको कौन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, हाइड्रोजन ग्राही करेगा, हाइड्रोजन ग्राही कौन है, NAD पॉजिटिव। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगी ना वो कहाँ पर आएगी, NAD पॉजिटिव पर आएगी, और NAD पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NAD पॉजिटिव का अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और क्या बनेगा, NADH+HA, ठीक। और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन को ग्रहण इसने किया और फिर ये बना, और इससे क्या बन जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से क्या बनेगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दो मॉलिक्यूल्स, इसके भी दो है, इसके भी दो है, ठीक, यह भी 3 कार्बन कंपाउंड है, यह भी 3 कार्बन कंपाउंड है, आगे सारे 3 कार्बन कंपाउंड ही आएंगे, ठीक। और इस रिएक्शन को कैटालाइज किसने किया, उत्प्रेरित किसने किया है, इस एंजाइम ने, डीहाइड्रोजिनेज ने, ठीक, यानी 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया है इस एंजाइम की उपस्थिति में, डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, और क्या बना है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके दो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक। तो अपना ये हो गया अभी पांचवा स्टेप, आगे देखिए छठा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ATP, प्रथम ATP का बनना, अगले जो छठा स्टेप है ना अपना, वो है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ATP, प्रथम ATP का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ATP, प्रथम ATP का बनना। देखिए प्रथम ATP का बनना मतलब पहली बार ATP का बनना, यहाँ पर एक्चुअल में मतलब ये होता है प्रथम ATP का बनना, यानी पहली बार ATP का बनना संपूर्ण प्रक्रिया में, ठीक। तो देखिए क्या होगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इसमें कितने फॉस्फेट है, 1,3-डाइफॉस्फो, यानी 2 फॉस्फेट है, तो जो 1 फॉस्फेट है वो निकल जाएगा और किससे जुड़ेगा, ADP से, और क्या बनेगा, ATP, इसके दोनों हैं तो अपने यहाँ पर भी दो दो मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक, यानी यहाँ पर जो जो टोटल ATP बनेंगे ना इस रिएक्शन में, या इस तरह की रिएक्शन में 2 ATP बनेंगे, ठीक। और क्या फिर ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, क्योंकि 1,3-डाइफॉस्फो है, तो मान लीजिए जो 1 नंबर कार्बन पर जो फॉस्फेट है ना वो यहाँ पर आ गया ADP पर, और ADP किसमें कन्वर्ट होगी, ATP में, और ये बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, दोनों ही है। एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक, कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या हुआ है, ATP बढ़ी है पहली बार, ठीक,
यहाँ से एक फॉस्फेट यहाँ पर आएगा एडीपी पर, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक चिंडा फॉस्फोग्लिसरी कमल, ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्री फॉस्फोग्लिसरी एसिड में, एंजाइम हो ही गया, दो दो मॉलिक्यूल्स हो गई, और ये भी तीन कार्बन है कंपाउंड है। ठीक, आगे देखिए नंबर सात समावीकरण। नंबर सात क्या है? समावीकरण। देखिए समावीकरण में क्या है कि जो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, वो अपने समावी यानी अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आइसोमर कौन है? ये रहा, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपने समावी यानी आइसोमर टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज। ठीक, ये भी हो गया अपना आठवां, यानी अपने यहां तक आ गए हैं, यहां तक। ठीक, उसके भी दोनों हैं और वो भी तीन कार्बन युक्त, ये भी थ्री फॉस्फो, ये टू फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ये तीन कार्बन युक्त कंपाउंड ही है और दोनों बने इसके। अगला है जल वियोजन। जल वियोजन यानी अपने डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन जल का निकलना। ठीक, तो देखिए टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे जल काणु निकलेगा, दो है तो दो जल काणु ले लिए मैंने, एंजाइम होगा इनोलेज, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टू फॉस्फेनोल पाइरुविक एसिड में, यानी टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें कन्वर्ट हो जाता है टू फॉस्फो इनोल पाइरुविक एसिड में। और ये जो रिएक्शन है ना, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक जल का अणु निकला है, तो दो अणु तो दो दिखा दिए मैंने। ठीक, तो ये अपना हो गया आठवां। नौवां देखिए द्वितीय एटीपी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड एटीपी, यानी दूसरी बार एटीपी का बनना। नो, और ये लास्ट है, देखिए यहां पर क्या है, ये अपना टू फॉस्फेनोल पाइरुविक एसिड है। ठीक, अब देखिए यहां पर एक फॉस्फेट समूह है जो दो नंबर कार्बन पर है, वो हट जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, और वो फॉस्फेट कहां पर आएगा? एडीपी पर आएगा, और एडीपी एक फॉस्फेट पाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एटीपी में। और यहां से जब एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो दो टू फॉस्फेनोल पाइरुविक एसिड है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरुविक एसिड में। दोनों है तो यहाँ पर भी दोनों, और ये भी कितने कार्बन है? तीन कार्बन युक्त कंपाउंड है, और एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज, कोफैक्टर है Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है कि ग्लूकोज से शुरू किया था अपने, ग्लूकोज छह कार्बन युक्त कंपाउंड है, और इस तरह होते होते हुए अंत में क्या बना? पाइरुविक एसिड बना। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक एसिड के कितने अणु बने? दो बने। ठीक, और पाइरुविक एसिड कितने कार्बन युक्त कंपाउंड है? तीन कार्बन युक्त कंपाउंड है। हो गया। अब देखिए आगे एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बता दूं। आपसे पूछ लें कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी कितने बनते हैं? टोटल एटीपी, टोटल एटीपी कितने बनते हैं? अभी चार बनते हैं, दो ये रहे, दो ये रहे। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी कितने बने हैं? चार बने हैं, लेकिन दो खर्च भी तो हो गए हैं, एक यहां पर खर्च हुआ और एक यहां पर खर्च हुआ, तो माइनस दो एटीपी। तो शुद्ध उत्पादन नेट प्रोडक्शन कितना एटीपी का? दो एटीपी, यानी चार बने जिनमें से दो खर्च भी होते हैं। ठीक, चार बनते हैं, दो खर्च होते हैं, तो नेट प्रोडक्शन क्या होगा एटीपी का? दो एटीपी। ठीक, ये है। अब अगर देखिए यहां पर एक चीज और है, ये दो भी आएगा आगे, दो ही आएगा क्योंकि दोनों है ना, तो दो दो लगा दिया। आपसे पूछ रहे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने बार ऑक्सीकरण होता है, कितने बार ऑक्सीडेशन होता है? तो एक ही बार हुआ है यहां पर, वो ये है, ये जो रिएक्शन है ना,
एक तीन डाइफोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से क्या बना है, एक तीन डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ एक ही बार, ठीक। चूंकि यहाँ पर दोनों है तो इस ऑक्सीकरण से NADH प्लस एच पॉजिटिव के कितने अणु बनेंगे, दो। कितने अणु बनेंगे, दो। NADH पॉजिटिव है, उसने हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया और बना NADH प्लस एच पॉजिटिव, ठीक। क्योंकि इसके दोनों हैं तो इनके भी दो दोनों, तो दोनों बने। अब देखिए ये जो है ना NADH प्लस एच पॉजिटिव, इसका आगे ऑक्सीकरण होता है ETS के द्वारा, वो अपने डिटेल में देखेंगे आगे। इसका आगे ऑक्सीकरण होगा ETS के द्वारा, ठीक। और जब इसका ऑक्सीकरण ETS के द्वारा होता है ना, तो प्रत्येक NADH से तीन अणु ATP बनते हैं। तो अपने पास दो है ना, तो तीन दूनी छह ATP और बनेगी। यानी जब NADH प्लस H पॉजिटिव के ये जो दोनों है ना, इनका अगर आगे ऑक्सीकरण होता है ETS के द्वारा, तब वहाँ पर कितनी ATP बनेगी, इससे छह ATP बनेगी, ठीक। तो वैसे देखें तो यहाँ पर आठ ATP बनती है, अभी दो तो ये होगी शुद्ध और छह ये होगी, छह दो आठ, ठीक। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी उत्पादन कितना होता है, तो वो देगा दो एटीपी, चार एटीपी, छह एटीपी, आठ एटीपी, ठीक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहां पर एक तो मैंने ये बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट प्रोडक्शन कितना एटीपी का, दो एटीपी, ठीक। यानी एक तो अपने जब ये आंसर हो जाएगा, और यहां पर और बता दिया कि छह एटीपी इस तरह बनती है, तो छह दो कितनी होगी, आठ होगी। तो ज्यादातर बच्चे इसको आठ भी कर देते हैं आंसर को, और कई किताबों में भी आठ दिया होता है, कुछ अच्छी किताबें हैं, ठीक, जो कोचिंग है नीट वगैरह की, उनमें भी आठ ही दिया होता है कई किताबों में, अच्छी किताबों में भी, ठीक। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर आठ नहीं आएगा। जब आपसे ये पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है, तो उसका आंसर दो एटीपी ही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, यहां पर जो छह एटीपी और बनेगी ना, वो किसके द्वारा बन रही है, ETS के द्वारा। तो ये तो एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही स्टेप है ETS। ग्लाइकोलाइसिस और ETS में तो दिन रात का अंतर है, ठीक, बीच में तो क्रेब्स साइकिल भी आएगा, ठीक। आपसे ये पूछ ले, देखना यहां पर सिर्फ शब्दों का खेल होता है फिजियोलॉजी में कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है, तो आप इसको भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान रखो कितनी एटीपी, दो एटीपी। तो आंसर क्या जाएगा, दो एटीपी। और अगर आपसे ये पूछ ले ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितनी एटीपी बन सकती है, या ग्लाइकोलाइसिस से टोटल कितनी एटीपी बन सकती है, तब वहां पर आंसर आपका आठ अपने कर सकती है, ठीक। क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु से अपने ले रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस होगा तो दो एटीपी तो बनेगी, और ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ये भी बनेंगे, और फिर का इनका आगे ETS में ऑक्सीकरण हो जाएगा, तब इसका आंसर आठ हो सकता है, ठीक। कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से शुरू कर दे और ये कह दे कि ग्लूकोज के एक अणु का ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो उस ग्लाइकोलाइसिस से अधिकतम कितनी एटीपी बन सकती है, तब अपने आंसर आठ दे सकते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादा बेटर यहां पर यही होता है कि दो एटीपी ही, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है तो सिर्फ दो एटीपी, ठीक। जब ETS की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर कितनी एटीपी बन रही है, क्योंकि यहां पर जो ये जो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है ना, ये आगे जाकर एटीपी तभी बनाएगा जब ये ETS में एंटर करेगा, तो वो प्रक्रिया अलग होगी, समझ गए ना। तो यहां पर सही आंसर तो होता है हमेशा ही दो एटीपी, लेकिन थोड़ा सा जब प्रश्न को घुमा देता है ना, तो कई बार अपने को लगता है कि ये ज्यादा बेटर आंसर हो जाता है, तो वो कुछ बनाने वाले पर भी डिपेंड करता है, ठीक, कि वो किस तरह सोच रहा है। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना, एक दो शब्दों का अंतर होता है, एक दो शब्दों के अंतर से ही आंसर चेंज हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस
अपना इतना ही है अभी, बाकी करते अपनी कमी।